फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं एम्प्यूटेशन की, जो कि हमारा नया सेक्शन है। ठीक है, एम्प्यूटेशन क्या होता है? एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिसआर्थ्रोसिस। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिसआर्टिकुलेशन और डिसआर्थ्रोसिस। डिसआर्टिकुलेशन, ठीक है, डिसआर्टिकुलेशन। अब एम्प्यूटेशन और डिसआर्टिकुलेशन में डिफरेंस क्या है? एम्प्यूटेशन क्या होता है? लिम्ब को कट करना, किसी भी लिम्ब को कट करना थ्रू द बोन। बोन से अगर हम कोई भी लिम्ब को कट करेंगे, दैट इज एम्प्यूटेशन। ठीक है, बोन से अगर हम किसी भी लिम्ब को कट करेंगे, दैट इज एम्प्यूटेशन। और अगर हम जॉइंट से किसी भी लिम्ब को कट करेंगे, दैट इज डिसआर्टिकुलेशन। अगर हम बोन से किसी भी चीज को कट करते हैं, लाइक ठीक है, ये आपकी बोन है और ये इसके बीच में क्या बना हुआ है? जॉइंट। ठीक है, ये एक पूरी बोन है, ये एक पूरा लिम्ब है जिसमें ये जॉइंट बना हुआ है। अगर आप बोन से किसी को कट करते हो, ठीक है, अबाउट द जॉइंट और बिलो द जॉइंट मैटर नहीं करता, बट अगर बोन के थ्रू आप किसी को कट करते हो, दैट इज एम्प्यूटेशन। और अगर आप जॉइंट के थ्रू किसी को कट करते हो, दैट इज डिसआर्टिकुलेशन। ठीक है, डिसआर्टिकुलेशन, एम्प्यूटेशन एंड डिसआर्टिकुलेशन। एम्प्यूटेशन जो होता है मेनली पूरी बॉडी की किसी भी पार्ट में हो सकता है, लाइक लिम्स में किसी भी पार्ट में हो सकता है। लेकिन अगर हम डिसआर्टिकुलेशन की बात करें तो ये मेनली उन जॉइंट्स में होता है जो कि मोस्ट मूवेबल जॉइंट्स हैं, लाइक शोल्डर, नी, एल्बो एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एम्प्यूटेशन की बात करें, एम्प्यूटेशन के इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर एम्प्यूटेशन कर सकते हैं, इंडिकेशन। हमने इंडिकेशन को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डेड लिम्ब, डाइंग लिम्ब, डेंजरस लिम्ब एंड डम्ब लिम्ब। ठीक है, डेड लिम्ब, डाइंग लिम्ब, डेंजरस लिम्ब एंड डम्ब लिम्ब। डेड लिम्ब क्या होता है? ऐसा लिम्ब जो ऑलरेडी इश्कीमिया में, ऑलरेडी उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम है, वो डैमेज हो चुका है। अब वो इश्कीमिया किसी वजह से हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है या कोई भी और रीजन से हो सकता है, कोई भी डिजीज की वजह से हो सकता है या कोई भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो इश्कीमिया में अगर ऑलरेडी कोई लिम्ब है जो कि ऑलरेडी इश्कीमिया में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, ऑलरेडी डेड है, तो उसको हमें हमारी बॉडी में रखने से कोई फायदा नहीं, हमको उसको एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा। डाइंग लिम्ब की बात करें, ऐसे लिम्ब जो कि आगे जाके, लाइक उनकी इश्कीमिया कंडीशन जो है अभी स्टार्ट हुई है और आगे जाके वो सीवियर हो सकती है। ऐसे लिम्ब जिनकी इश्कीमिया कंडीशन अभी स्टार्ट हुई है और आगे जाके वो सीरियस हो सकती है, जैसे कुछ स्पेसिफिक डिजीज लाइक TAO, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रांस, जिसे बर्गर डिजीज भी बोलते हैं, या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीजेस होती है, ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ऑलरेडी इश्कीमिया तो होना स्टार्ट हो गया है और आगे जाके ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा लिम्ब जो है वो इश्कीमिया कंडीशन में आ सकता है, मींस अभी जो लिम्ब है वो डाइंग कंडीशन में, अभी डेड नहीं हुआ है बट डाइंग कंडीशन में, वो मरने वाला है, मरा नहीं है बट मरने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लिम्ब को भी हमें हमारी बॉडी में रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके हमें और आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर कोई भी सेल डेड होती है तो वो क्या रिलीज करती है? टॉक्सिन रिलीज करती है, वो टॉक्सिन जो हमें और आगे के और आसपास के सेल्स को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जो ऑलरेडी डाइंग सेल्स है, ये ऑलरेडी जो डाइंग टिश्यू है, ये ऑलरेडी जो डाइंग बोन है, हमें उसको एम्पुटेट करना पड़ता है। थर्ड बात करते हैं हम डेंजरस की। डेंजरस लिम्स क्या होते हैं? डेंजरस लिम्स वो होते हैं जो कि पूरी बॉडी के लिए हार्म हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्टेड लिम्स। कोई भी एक लिम है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है और वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जैसे गैस गैंग्रीन या डायबिटिक फूट। ठीक है, अगर हमने ऐसे इन्फेक्टेड लिम्स को नहीं निकाला तो वो पूरी बॉडी में फैल सकता है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, लाइक और ट्यूमर ऑफ द लिम्स। ठीक है, अगर लिम्ब में ऑलरेडी ट्यूमर है, अगर बोन के अंदर ऑलरेडी ट्यूमर प्रेजेंट है, तो हमें उस लिम्ब को एम्प्यूटेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं एम्प्यूटेट किया तो ट्यूमर मेटास्टासाइज कर सकता है और भी एक्स्ट्रा प्लेसेस में जा सकता है। डम्ब लिम्ब क्या होता है? ऐसे लिम्ब जो कि काम के नहीं है बॉडी में, लाइक ना वो सेंसरी फंक्शन कर रहे हैं, ना उनके अंदर कोई मोटर फंक्शन है, वो बॉडी के लिए यूजलेस है, लाइक किसी भी इंजरी की वजह से या कोई भी कॉन्जेनाइटल कॉज की वजह से या कोई भी एक्वायर्ड कॉज की वजह से हमारा ये लिम्ब जो है
वो किसी वजह से इतना कंप्रेस्ड होगा या इतना उसमें कोई इंजरी होगी जिसकी वजह से ये लिम में कोई मूवमेंट नहीं होती, इस एरिया में कोई सेंसेशन नहीं होता, ये एरिया कोई मोटर एक्टिविटी नहीं करता, ये बस लिम पड़ा हुआ है। तो ऐसे लिम को हमारी बॉडी में रखने का भी हमें कोई फायदा नहीं, इसे बोलते हैं डम लिम। ना इसमें कोई सेंसरी फंक्शन है, अगर मैं इसको टच भी करूंगा तो ना मुझे कोई सेंसेशन फील होगा, ना मैं इस लिम से कोई मूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का सेंसेशन और मोटर फंक्शन सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इस लिम को हम क्या बोलते हैं, डम लिम। और डम लिम को भी हमें हमारी बॉडी में रखने का कोई काम नहीं है, कोई ऐसा यूज नहीं है, तो उस यूजलेस लिम को भी हम एम्पुटेट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज है जिन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जिन इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग हम एम्पुटेट कर सकते हैं। ऐसे लिम जो कि ऑलरेडी इश्कीमिया में हो चुके हैं, ऐसे लिम जो कि इश्कीमिया में स्टार्ट हो चुका है और आगे जाके इश्कीमिया कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डाइंग लिम्स। ऐसे लिम जो कि बॉडी के लिए डेंजरस है, लाइक वो ऑलरेडी उनके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है या फिर वो उनके अंदर ट्यूमर प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे लिम जो कि सेंसरी मोटर एक्टिविटी उनके अंदर एब्सेंट हो चुकी है, वो यूजलेस है बॉडी के लिए, ठीक है। अब हमने कल की वीडियो में एक बात की थी स्पेशल टाइप की स्कोर की जो कि एम्पुटेशन से रिलेटेड होता है, दैट इज मेस स्कोर, मैंगल्ड एक्सट्रीमिटी सीवियरिटी स्कोर। मैंगल्ड एक्सट्रीमिटी सीवियरिटी स्कोर ये काउंट करता है, लाइक हमने इसमें कुछ कंपोनेंट्स की बात की थी, उसमें से एक कंपोनेंट था इसका एज, एक कंपोनेंट था इसका इश्कीमिया, एक कंपोनेंट था शॉक, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स थे। तो मेस स्कोर से हम ये काउंट कर सकते हैं कि जो अभी लिम है उसकी इश्कीमिया की कंडीशन कितनी है, जो लिम है उसकी इश्कीमिया की कंडीशन कितनी है। अगर मेस स्कोर ये बोलता है, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई पेशेंट है, ठीक है, हमारे सामने कोई पेशेंट है जिसका लिम जो है बहुत ज़्यादा इश्कीमिया में, लेकिन हमें नहीं पता है, तो ना तो हम हमारी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, ना हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ना हमारा मनी वेस्ट कर सकते हैं, सामने लेकिन मनी वेस्ट कर सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना भी उस पर कितनी भी अच्छी सर्जरी कर ले, आगे जाके वो लिम जो है कहीं ना कहीं से डैमेज होकर हमें बाद में जाके उसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो हम कितनी भी अच्छी सर्जरी कर लें, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर लें, हमें पता है कि वो आगे जाके वापस लिम इश्कीमिया कंडीशन में जाएगा और उसको हमें एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो मेस स्कोर हमें ये बताता है कि लिम्ब कितना इश्कीमिया में और वो आगे जाके सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो आगे जाके सर्वाइव कर सकता है तो हम सर्जरी प्रीफर करते हैं, अगर वो आगे जाके सर्वाइव नहीं करता तो हम सर्जरी प्रीफर नहीं करते, हम उस लिम्ब को बचाने की सोचते भी नहीं है, हम उसको एम्पुटेट ही करते हैं। तो मेस स्कोर हमें ये बताता है कि लिम्ब की इश्कीमिक कंडीशन कितनी है, अगर उसकी इश्कीमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो हमें उसमें कोई सर्जरी या हमें कोई ट्रीटमेंट प्रीफर नहीं कर सकते, हमें उसको एम्पुटेट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेस स्कोर हमें ये बताता है कि हाँ लिम के बचने के चांसेस हो सकते हैं आगे जाके, तो हम सर्जरी और मैनेजमेंट प्रेफर कर सकते हैं। तो मेस स्कोर के हिसाब से क्या है, अगर मेस स्कोर मोर देन 7 आता है, अगर मेस स्कोर मोर देन 7 आता है तो लिम कभी भी नहीं बच सकता, विल नॉट सर्वाइव, और हमें उसको एम्पुटेट ही करना पड़ेगा। अगर मेस स्कोर मोर देन 7 आता है तो लिम नहीं बच सकता है, अगर हम उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे तो भी आगे जाके हमें उसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में मेस स्कोर अगर मोर देन 7 आता है तो लिम कभी भी नहीं बच सकता है। एक और कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा लिम आया या हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन आई है जो कि ऑलरेडी मोर देन 6 आवर्स है, मैंने पहले ही बात करी है 6 आवर्स जो होता है गोल्डन टाइम होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या हमारे पास कोई ऐसा पीपल ऐसा कोई पर्सन आया है जिस पर्सन को कोई इंजरी हुई है, जिस पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी कोई भी ऐसा केस है जो कि जो लिम है वो ऑलरेडी मोर देन 6 आवर्स से ज्यादा जा चुका है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस मेस स्कोर को हमें डबल करना पड़ता है, डबल्स द मेस स्कोर। और अगर मेस स्कोर ये बोलता है, डबल करने के बाद भी अगर मेस स्कोर ये बोलता है कि हाँ लेस देन 7 है तो हम उस लिम को बचाने के चांसेस सोच सकते हैं, लेकिन अगर डबल करने के बाद मेस स्कोर मोर देन 7 चला जाता है तो हमें उस लिम को एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो मेस स्कोर हमें ये बताता है कि हमें कौन से लिम को एम्पुटेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मेस स्कोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पुटेशन से रिलेटेड, और ये 4 इंडिकेशन है जिनकी वजह से या जिनकी क्राइटेरिया की वजह से हम एम्पुटेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब एम्पुटेशन को हम ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक एम्पुटेशन करने के मेथड्स क्या क्या, मेथड्स ऑफ एम्पुटेशन। तो 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है 1-स्टेज मेथड, एक होता है 2-स्टेज मेथड। एक होता है 1-स्टेज एंड एक होता है 2-स्टेज। 1-स्टेज और 2-स्टेज में डिफरेंस क्या है, 1-स्टेज मेथड मीन्स आप सर्जन है, आप गए, आपके पास कोई एक पेशेंट है जिसको आपको एम्पुटेट करना है, आपने उस लिम को एम्पुटेट किया, लाइक आपके पास लिम है, ठीक है, आप सर्जन है, आप गए, आपने उसको लिम को एम्पुटेट किया, वो सिस्टम को क्लोज किया और पेशेंट को घर भेज दिया, दैट इज 1-स्टेज सर्जरी, ठीक है, दैट इज 1-स्टेज एम्पुटेशन। 2-स्टेज एम्पुटेशन की क्या बात करते हैं,
आपके पास कोई पेशेंट है जिसको आपके लिम को एम्पुटेट करना है, आपने उसको लिम को एम्पुटेट किया, स्टम्प को कुछ दिनों के लिए वापस रहने दिया, स्टम्प को वहीं के वहीं रहने दिया, सिर्फ बैंडेजिंग करी, आपने स्टम्प को बंद नहीं कराया। जैसे हम कोई भी चीज को कट करते हैं तो वो जो बाकी जो हिस्सा बचता है जो कि बॉडी से कनेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टम्प। तो आपने जब भी कोई लिम्ब को एम्पुटेट किया तो आपने स्टम्प को क्लोज नहीं किया, आपने स्टम्प को सूचर नहीं किया, आपने उसको बैंडेजिंग करी ताकि आप उसको वापस देख सको 2-3 दिन 4 दिन बाद कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और वापस आप 3-4 दिन बाद 5-6 दिन बाद उसको वापस री एग्जामिन करोगे और आपको लगता है कि हाँ उसमें अभी कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप उसको बाद में जाके स्टम्प को सूचर कर सकते हो। दैट इज 2-स्टेज सर्जरी। पहली फर्स्ट स्टेज में आप एम्पुटेट करते हो, स्टम्प को बैंडेज करके रख देते हो 2-3 दिन 4 दिन के लिए, पेशेंट को वापस बुलाते हो 3-4 दिन बाद, आप री एग्जामिन करते हो और अगर लगता है कि इन्फेक्शन नहीं है तो आप उसको स्टम्प को बंद कर देते हो। दैट इज 2-स्टेज सर्जरी। 1-स्टेज सर्जरी एम्पुटेट करते हो, स्टम्प को क्लोज करते हो, पेशेंट को घर जाने के लिए बोल देते हो, ठीक है। अभी इस टाइम पर हम 2-स्टेज सर्जरी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। 2-स्टेज सर्जरी मेनली उन एम्पुटेशन में ज्यादा होती है जो कि इन्फेक्टेड लिम्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड लिम्स होते हैं, क्योंकि अगर हम उन लिम्स को एम्पुटेट करते हैं तो हमें डर होता है कि शायद इन्फेक्शन, क्योंकि हम जो मार्जिन लेते हैं एम्पुटेट करने के, लाइक ये अगर लिम्ब है यहाँ पर इन्फेक्शन है, हमने मार्जिन लिया कि हम यहाँ से इसको एम्पुटेट करेंगे, हमने इसको एम्पुटेट किया बट हम अभी भी श्योर नहीं है कि जो हमने मार्जिन डिसाइड करी है उस मार्जिन के इधर इधर ही इन्फेक्शन था, इसलिए हमें डर रहता है कि क्या पता हमने जो मार्जिन डिसाइड करी उस मार्जिन से इधर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हो, इसलिए हम उस लिम्ब को ऐसे ही रहने देते हैं 3-4 दिन के लिए और हम उसको वापस री एग्जामिन करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने जो मार्जिन ली थी वो परफेक्ट है तो हम उस लिम्ब को बाद में जाके क्लोज कर देते हैं। दैट इज 2-स्टेज सर्जरी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम एम्पुटेशन कर सकते हैं, लाइक कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स है जिनसे हम एम्पुटेशन कर सकते हैं। तो बेस्ट टेक्निक जो होती है एम्पुटेशन करने की, लाइक एम्पुटेशन को क्लोज करने की, एम्पुटेशन की हमने बता दी, लेकिन एम्पुटेशन को क्लोज करने की जो बेस्ट टेक्निक होती है उसको बोलते हैं फ्लैप मेथड। फ्लैप मेथड क्या होता है, आप बॉडी के ही कुछ पार्ट्स को फ्लैप की तरह यूज करते हो। फ्लैप क्या होता है, लाइक ये एक बोन है, ठीक है, ये एक पूरी बोन है, आपने इसको कट किया, आपने इसको एम्पुटेट किया और आपने क्या किया, जो स्किन का हिस्सा था, ये स्किन है और मसल से स्किन है, मसल से फिश है और ये बोन है, तो आपने क्या किया, इस एरिया को कट किया। जैसे आपने इस एरिया को कट किया तो आपने जो बाकी बचा हुआ आपका स्किन और ये सब एरिया है इसको आपने एक फ्लैप की तरह यूज किया ताकि आप इसको सूचर कर सको, आपने इसको एक फ्लैप की तरह यूज किया ताकि आप इसको वापस सूचर कर सको, इसको बोलते हैं फ्लैप मेथड। तो आप बॉडी का एक कुछ हिस्से को रिमेन, बॉडी के कुछ हिस्से को आप छोड़ देते हो ताकि आप उसको सूचर में यूज कर सको, ताकि आप उसको स्टम्प को क्लोज करने में यूज कर सको, उसको बोलते हैं फ्लैप टेक्निक, ठीक है। तो एम्पुटेशन के टाइम पर हमेशा हम एक चीज का ध्यान रखना, एम्पुटेशन के टाइम पर हम हमेशा एक चीज का स्पेशल यूज करते हैं, जैसे उसको बोलते हैं टॉर्निकेट। एम्पुटेशन के टाइम हम हमेशा एक स्पेशल चीज का हमेशा यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टॉर्निकेट। टॉर्निकेट क्या होता है, लाइक ये हमारा एक लिम्ब है, ठीक है, हमें इसको यहां से एम्पुटेट करना है, ये हमारा लिम्ब है, हमें इसको यहां से एम्पुटेट करना है। अब एम्पुटेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं, हम क्या क्या कट करते हैं, हम सब चीज कट करते हैं, स्किन, फेशिया, मसल, नर्व, आर्टरीज, वेन्स, बोन्स, सब चीज कट होती है। तो अगर आप इसको यहां से कट कर रहे हो तो ब्लड लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब आप हर चीज बॉडी की हर लेयर कट कर रहे हो आप इस लिम्ब की, तो इसमें वेस्कुलर का जो कंटेंट है, जो ब्लड है, उसका लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसलिए आप क्या करते हो, टॉर्निकेट का यूज करते हो। टॉर्निकेट एक टाइप का लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप बहुत ज्यादा पावर लगा के एक एरिया को कंप्रेस कर सकते हो ताकि ब्लड लॉस कम हो। तो अगर आपको लिम को यहाँ से कट करना है तो आप टॉर्निकेट यहाँ पर पुट करते हो और उसको इतना कंप्रेस करते हो कि यहाँ पर जो आर्टरीज वेंस हैं वो कुछ टाइम के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन चले जाए, ताकि अगर आप एम्पुटेट करो तो ब्लड का लॉस कम हो। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर आप एम्पुटेशन कर रहे हो वहां पर आपको टॉर्निकेट का यूज करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन जहां पर आप एम्पुटेशन कर रहे हो वहां पर आपको टॉर्निकेट का यूज करना पड़ता है क्योंकि इससे हम ब्लड लॉस को कम कर सकते हैं, डिक्रीज ब्लड लॉस। एक्सेप्ट जो लिम ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन में, आप वहां पर टॉर्निकेट का यूज नहीं कर सकते हो, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, क्योंकि जो लिम ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन में और आपने उसमें टॉर्निकेट का यूज किया, क्योंकि अगर आप उसको एम्पुटेट भी करोगे तो भी ब्लड लॉस बहुत कम होगा क्योंकि वो लिम, वो एरिया जो है ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन में, और अगर आपने उसका जो थोड़ी बहुत सप्लाई थी एम्पुटेशन के टाइम पे या उसके पहले, क्योंकि आपको एम्पुटेशन जो होता है वो 1 घंटे पहले या 30 मिनट पहले करना पड़ता है, तो जो लिम पे ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन है या इस्कीमिया कंडीशन चल रही है और उसमें आपने एम्पुटेट कर दिया तो वो एरिया जो है वो नेक्रोसिस में चला जाएगा और वो ज्यादा हार्मफुल हो सकता है फिर बॉडी के लिए। इसलिए इस्कीमिया कंडीशन में या इस्कीमिया लिम में
आप कभी भी टॉर्निकेट का यूज नहीं करते हो, आप कभी भी टॉर्निकेट का यूज नहीं करते हो, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, जब भी आप एम्पुटेट करते हो तो आपको बोन को 5 सेंटीमीटर शॉर्ट काटना पड़ता है, 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन अदर टिश्यूज। क्यों? जब भी आप एम्पुटेट करते हो तो आपको बोन को 5 सेंटीमीटर शॉर्ट कट करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली हमने एवरेज लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आइडियली यही है, 5 सेंटीमीटर आपको शॉर्ट कट करना पड़ता है अदर टिश्यूज से, लाइक स्किन, फेशिया, मसल से आपको 5 सेंटीमीटर शॉर्ट कम करना पड़ता है। क्यों? क्या है, लाइक ये आपकी बोन है, ठीक है, और ये उसके आसपास की लेयर है, ठीक है। अगर आपने इसको इसी लेवल पे एम्पुटेट किया, ठीक है, अगर आपने इसको सेम लेवल पे एम्पुटेट किया हर एक लेयर को, तो आपको इसको सुचर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस एरिया को वापस सुचर करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आप बोन को थोड़ा शॉर्ट, 5 सेंटीमीटर शॉर्ट तक अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप बोन को 5 सेंटीमीटर ज्यादा तक शॉर्ट तक एम्पुटेट कर रहे हो, तो जो बाकी बचा आपका एरिया है, जो स्किन मसल्स और जो बाकी बची हुई एरिया है, उनको आप आसानी से सुचर कर सकते हो, उनको आप आसानी से सुचर कर सकते हो। इसी वजह से हम बोन को 5 सेंटीमीटर शॉर्ट कट करते हैं दूसरे अदर स्ट्रक्चर से, ताकि आप एम्पुटेशन के टाइम पे उनको आसानी से सुचर कर सको, ताकि आप एम्पुटेशन के टाइम पर, एम्पुटेशन के बाद उनको आसानी से सुचर कर सको। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, आप हमेशा पोस्टीरियर सेगमेंट जो होता है उसको लॉन्गर रखते हो एंटीरियर सेगमेंट से। जब भी आप एम्पुटेट करते हो तो आप पोस्टीरियर सेगमेंट को लॉन्गर रखते हो एंटीरियर सेगमेंट से। क्यों? लाइक ये आपकी बोन है, ठीक है, ये आपका एंटीरियर सेगमेंट है और ये आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एम्पुटेशन किया, आपने क्या किया, एम्पुटेशन किया, तो एम्पुटेशन के टाइम पे क्या किया, आपने पोस्टीरियर सेगमेंट को लॉन्ग रहने दिया और एंटीरियर सेगमेंट को शॉर्ट रखा, पोस्टीरियर सेगमेंट को लॉन्ग रहने दिया, एंटीरियर सेगमेंट को शॉर्ट रखा, जिससे क्या हुआ, आप एक फ्लैप का यूज कर सकते हो, आप पोस्टीरियर सेगमेंट को एंटीरियरली लाके, आप पोस्टीरियर सेगमेंट को एंटीरियर लाके और इसको सुचर कर सकते हो। आप पोस्टीरियर सेगमेंट जो है, जो आपका पोस्टीरियर हिस्सा है जिसमें टिश्यू, स्किन, फेशिया सब कुछ इन्वॉल्व है, आप उसको फ्लैप की तरह यूज करके और आगे की तरफ एंटीरियरली तरफ सुचर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा सुचर कर सकते हो, जो कोई भी ऐसा सुचर जो कि आपके मिड कोरोलन, जो आपका ये प्लेन होता है, जो कोरोनल प्लेन होता है आपका, जो कि जिसको आप देख सकते हो, जो बैक प्लेन है, जो कि आपका पोस्टीरियर प्लेन है, उसमें अगर आप कोई सुचर करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सुचर वहां पर प्रॉपरली लोकेटेड है या नहीं है। लेकिन जो आपका कोरोनल प्लेन होता है, जो कि सामने की तरफ होता है, और अगर आप वहां पर कोई भी सुचर करते हो तो आप उनको देख सकते हो कि सुचर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। इसलिए हम हमेशा पोस्टीरियर फ्लैप को लॉन्ग रखते हैं, ताकि हम उसको घुमा के एंटीरियरली, हम उसको रोटेट करके एंटीरियरली सूचर कर सके। इसलिए जब भी वो लिम एम्पुटेट होगा और जब भी वहां पर सूचर होंगे, तो हम उनको प्रॉपरली देख सके कि हाँ, सूचर प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि अगर हम एम्पुटेट के बाद प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं, अगर हम सेकंडली क्या होता है, अगर हम लिम के एम्पुटेशन के बाद प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं, प्रोस्थेसिस क्या होता है, प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, लाइक जिनके लेग्स को हम एम्पुटेट करते हैं, तो हम आर्टिफिशियली एक उनको लिम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वॉक कर सके, उन्हें हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं। तो अगर हम प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं, तो प्रोस्थेसिस जो होता है मेनली पोस्टीरियर सेगमेंट पे ज्यादा लोड डालता है, रादर देन एंटीरियर सेगमेंट पर। प्रोस्थेसिस जो होता है वो पोस्टीरियर सेगमेंट पे ज्यादा लोड डालता है रादर देन एंटीरियर सेगमेंट्स पे। तो अगर हम प्रोस्थेसिस का यूज करेंगे और अगर हम एंटीरियरली कोई भी फ्लैप को सुचर करेंगे, तो हमारे पास चांस कम होता है, लाइक हमने एक्सटर्नल एंटीरियर लिम प्रोस्थेसिस का यूज करा, तो हमारे पास चांस कम होता है, डिक्रीज होता है चांस का कि हमारे जो सूचर है वो रप्चर हो जाए वापस, डिक्रीज हो जाता है चांस का कि सूचर लाइन जो है, जो ये सूचर लाइन हमने बनाई थी, जो सूचर किया था, वो फेल हो जाए वापस, डिक्रीज चांस ऑफ सूचर लाइन फेलियर, ठीक है। ये स्पेसिफिक 3 रूल्स हैं। जब भी आप एम्पुटेट करोगे तो आपको टॉर्निकेट का यूज करना है ताकि ब्लड लॉस का कम चांस हो, एक्सेप्ट इश्कीमिया कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब भी आप बोन का यूज कर रहे हो, जब भी आप एम्पुटेट कर रहे हो, तो बोन को आपको 5 सेंटीमीटर शॉर्ट काटना पड़ेगा ताकि आप आसानी से सुचर कर सको। आपके पास जो एक्स्ट्रा स्किन और मसल्स और फेशिया बची है, आप उनको आसानी से सुचर कर सको।
थर्ड थिंग, आपको पोस्टियर सेगमेंट को लॉन्ग रखना पड़ता है, एंटीरियर सेगमेंट को शॉर्ट रखना पड़ता था, कि आप पोस्टियर सेगमेंट को फ्लैप की तरह यूज कर लो और एंटीरियरली जो कि मिड कोरोनल प्लेन है, ऐसा प्लेन जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, जो मिड कोरोनल प्लेन है वहां पर आप सूचर कर सको, और जब भी आप वहां पर सूचर करोगे और एक्सटर्नली अगर आप प्रोस्थेसिस का यूज कर रहे हो, प्रोस्थेसिस जो होता है वो पोस्टीरियर सेगमेंट पर ज्यादा लोड डालते हैं। ये अगर मेरा एक एम्पुटेटेड लिम्स है, ये मेरा एंटीरियर पार्ट है, लाइक ये मेरा एंटीरियर पार्ट है जहां पर मैंने पकड़ रखा, ये मेरा पोस्टीरियर पार्ट है, जब भी मैं प्रोस्थेसिस का यूज करूंगा तो पोस्टीरियर एरिया पर ज्यादा लोड डालते हैं, एंटीरियर पर नहीं डालते। इसलिए जब भी हम उसको सूचर करते हैं, एंटीरियरली जब भी हम सूचर करते हैं, हम प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं, तो प्रोस्थेसिस की वजह से जो सूचर लाइन हमने जो सूचर किया है उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए हम पोस्टीरियर सेगमेंट को बड़ा रखते हैं। तीन क्राइटेरिया, तीन रूल्स, और क्या है हम सूचर्स में और क्या क्या यूज कर सकते हैं। फोर्थ, ये मसल्स है, अब हमने जब एम्पुटेशन किया तो हमने सब चीज कट करी, हमने स्किन भी करी, हमने मसल भी करी, हर एक फेशिया सब कुछ कट किया। अब जो हमने बाहर की तरफ तो सब कुछ सूचर कर लिया, बट जो अंदर के एरिया हमको कैसे सूचर कर सकते हैं, ये मसल है, ये बोन है, तो हम दो तरीके से इसको सूचर कर सकते हैं। हम मसल को डायरेक्टली किसके साथ सूचर कर देते हैं, बोन के साथ में, हम मसल को डायरेक्टली किसके साथ सूचर कर देते हैं, बोन के साथ में, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हम बोन को डायरेक्टली सूचर कर देते हैं किसके साथ में, बोन के साथ में, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोडेसिस। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मायोडेसिस, और मायोडेसिस मेथड जो होता है वो स्टेबल मेथड होता है, क्योंकि अगर हम बोन को मसल के साथ में कंबाइन कर देंगे, अगर हम बोन को मसल के साथ में सूचर कर देंगे तो जो वो स्टंप है वो स्टेबल हो जाएगा, जो फ्री एरिया था अंदर के साइड में, जो मसल्स और बोन जो थी वो फ्री थी तो वो मूव कर सकती थी, ठीक है, इसकी वजह से वो एरिया जो था वो अनस्टेबल था, लेकिन हमने क्या किया, मसल को बोन के साथ में सूचर कर दिया, जिसकी वजह से जो स्टंप हुआ अब स्टेबल हो गया, जिसकी वजह से जो अब स्टंप था वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो हम मसल के एंड को बोन के साथ सूचर कर सकते हैं, मसल के एंड को बोन के साथ सूचर कर सकते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मायोडेसिस, ठीक है। एक और सेकंड थिंग, कभी कभी हम क्या है, एक मसल को दूसरे मसल के साथ भी सूचर कर देते हैं, एक मसल को दूसरे मसल के साथ में भी सूचर कर देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मायोप्लास्टी, मायोप्लास्टी। बट इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका एम्पुटेटेड एरिया है, जो आपका एम्पुटेटेड लिम है, जो स्टंप है, वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि आपने बोन को किसी के साथ भी सूचर नहीं किया, इसलिए बोन जो है वो स्टंप में वो फ्री है, बोन जो है स्टंप में वो फ्री है। अब आप इन दोनों मेथड्स को क्यों यूज करते हो, क्या होता है, अगर आप मायोप्लास्टी कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप पास कोई एक लिम है जो कि इस्कीमिया कंडीशन में, ठीक है, आपके पास कोई एक लिम है जो कि इस्कीमिया कंडीशन में, आपको ये पता है कि बोन के अंदर लेस ब्लड सप्लाई होता है मसल के कंपैरिजन में, अगर हम बोन और मसल को कंपेयर करें तो बोन के अंदर वैस्कुलर सप्लाई जो है वो कम है मसल के कंपैरिजन में, मसल में वैस्कुलर सप्लाई जो होता है ज्यादा होता है। तो अगर कोई एक लिम है जो कि ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन में, आपने उसको एम्प्यूटेट किया, मसल भी इस्कीमिया कंडीशन में एम्प्यूटेट करने के बाद भी वो एरिया क्या है, लेस वैस्कुलराइज्ड है, तो मसल भी लेस वैस्कुलर है, बोन भी लेस वैस्कुलर है, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों ऐसे एरिया को कंबाइन किया जो कि ऑलरेडी लेस वैस्कुलराइज्ड है, और दोनों ही आपने ऐसे एरिया को कंबाइन किया जो कि लेस वैस्कुलराइज्ड है, तो दोनों के आगे जाके वापस फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन है, ऐसे लिम्स जहां पर ऑलरेडी इस्कीमिया कंडीशन है, वहां पर आप मायोडेसिस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बोन ऑलरेडी एवैस्कुलर है, क्योंकि बहुत लेस सप्लाई मिल रही है वहां पर, जो आसपास की मसल्स है वो भी लेस वैस्कुलर है, और आपको वहां पर भी उसको लेस ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो आप दोनों ही लेस ब्लड सप्लाई एरिया को अगर ज्वाइन करोगे तो वहां पर सप्लाई कहां से आएगी एक्स्ट्रा, अगर आप दोनों ही लेस ब्लड सप्लाई एरिया को सूचर करोगे तो वहां पर एक्स्ट्रा सप्लाई कहां से आएगी। इसलिए आप कभी भी इस्कियामिक लिम्ब जो होते हैं उनमें आप कभी भी मायोडेसिस नहीं करते हो, एक्सेप्ट इस्कियामिक लिम्ब, उनमें आप हमेशा मायोप्लास्टी यूज करते हो। मायोप्लास्टी आप उसमें क्यों यूज करते हो, क्योंकि आपके आपको पता है कि लिम्ब जो है वो इस्कियामिक कंडीशन में, आपकी जो मसल है जिसको आप कट किया है वो एक इस्कियामिक कंडीशन मसल है, वो एक इस्कियामिक मसल है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम है, तो आप क्या कोशिश करते हो कि आप ऐसी मसल को उसके साथ सूचर करते हो जिसमें हाईली वैस्कुलर है, ऐसे मसल को आप उसका सूचर करते हो जो कि ऑलरेडी हाईली वैस्कुलर है, ताकि आप सोच सकते हो आपके पास ये चांस होता है कि क्या पता आगे जाके जो हाईली वैस्कुलर मसल है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो लेस वैस्कुलर मसल में जा सके, ठीक है। इसलिए आप हमेशा इस्कियामिक लिम्ब में मायोप्लास्टी यूज करते हो रादर देन मायोडेसिस, बाकी जितनी भी सिचुएशंस हैं, इन्फेक्टेड लिम्स और
ट्रॉमेटिक लिम्ब जो भी सिचुएशन है उन सब सिचुएशन में आप मायोडेसिस यूज करते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि इस्केमिक लिम्ब, उसमें आप मायोप्लास्टी यूज करते हो क्योंकि आपको उस एरिया को थोड़ा वेस्कुलर बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है मसल भी एवेस्कुलर है, बोन तो उससे ज्यादा वेस्कुलर है, तो आपको ऐसी चीज के साथ उसको कंबाइन करना पड़ता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्कुलर चीज है। और बहुत ज्यादा वेस्कुलर चीज हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है जो कि एम्पुटेशन के टाइम पे मिलता है, वो है आपकी मसल्स। तो आप ऐसे मसल के साथ को कंबाइन करते हो जो कि हाईली वेस्कुलर है, ताकि आप चांस होता है आपके पास कि क्या पता वो जो एरिया है जिसको मैंने सूचर किया है वो वापिस हाईली वेस्कुलर हो सके। ठीक है, तो ये होती है एम्पुटेशन की टेक्निक्स और एम्पुटेशन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, टॉर्निकेट का हमेशा हमें यूज करना पड़ेगा, बोन जो है 5 सेंटीमीटर कम कट करनी पड़ेगी, पोस्टीरियर सेगमेंट को हमें लॉन्ग रखना पड़ता ताकि हम उसको फ्लैप की तरह यूज कर सकते हैं, बोन को हम मसल के साथ कंबाइन कर सकते हैं दैट इज मायोडेसिस, और मसल को हम मसल के साथ कंबाइन कर सकते हैं दैट इज मायोप्लास्टी। थैंक यू। We'll be right back.